हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं मई मंथ के फर्स्ट एंड सेकंड वीक की जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर अड्डा को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। किस मंत्रालय ने खदानों के परिचालन के लिए पीएमयू स्थापित किया है? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है कोयला मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। हमारे कोयला मंत्री है वो कौन है? वो है प्रहलाद सिंह जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो वो बना है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है, और इस राज्य ने कुल 18.52 लाख मजदूरों को कार्यरत किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है वो कौन है? वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके है वो यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। शिखा शर्मा है, ये पहले एक्सिस बैंक के पूर्व सीईओ थे। ठीक है, और अब ये गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं इनको। ठीक है, और जो गूगल है इसके सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई जी है, और अल्फाबेट इंक और गूगल की जो मूल कंपनी है इसका एक हिस्सा है। इसके भी जो सीईओ है वो कौन है? वो भी सुंदर पिचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसे साल 2020 का निकेई एशियाई पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है थलपिल प्रदीप को, जो कि भारत के हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। राम प्रसाद जी को दिया गया, जो कि कहाँ के थे? नेपाल के थे। एंथनी टेन को दिया गया, ये मलेशिया के थे। और टेन होई लिंग को दिया गया, ये मलेशिया के थे। और हमें पूछा है कि भारतीय कौन पूछ रहा है, तो ये भारत के थली प्रदीप जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर के डॉक्टर थगजाम ददबाली सिंह को। ठीक है, थगजाम ददबाली सिंह को है ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, जापान की राजधानी है वो टोक्यो है, जापान की मुद्रा है वो है येन, और यहाँ के जो पीएम है वो है शिंजो आबे। ठीक है, जापान के पीएम है वो कौन है? वो है शिंजो आबे। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है वी विल विन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा वी विल विन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और फीफा के जो अध्यक्ष है वो है गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और फीफा की जो स्थापना है ये 21 मई 1904 को हुई थी, और फीफा का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 मई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। 1 मई को लेबर डे मनाया गया, हर साल है वो 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, और ये सबसे पहले 1891 में पहली बार है ये मनाया गया था। ठीक है, और इसकी घोषणा की गई थी 1891 के अंदर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है वो है गाय राइडर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है ये 1919 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, स्थापना भी वो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भार्ली का निधन हो गया, वो कहाँ के थे? तो ये थे कहाँ के थे? ये थे असम के। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भार्ली का 101 वर्ष की आयु में डेथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान जिनका डेथ हो गया, वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे।
तो भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान चुन्नी गोस्वामी का डेथ हो गया। ये 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप में उपविजेता रहा था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट चुन्नी गोस्वामी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत सरकार ने लघु वन उपज के लिए MSP में कितने परसेंट वृद्धि की है? तो केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है और लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच MSP वृद्धि है ये 16% से लेके 66% के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है वह है अर्जुन मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये भार संभाले अरविंद कुमार शर्मा ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, MSME के जो मंत्री है वो है नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव एवं पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है गिरधर अरमाने ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई थी और इन्होंने संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? वह है नितिन जयराम गडकरी जी। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है शोभना नरसिंहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो है शोभना नरसिंहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने एक बुक लॉन्च की है, ई बुक, उसका जो नाम है वो है प्रूफ BBL वो लाल इंडिया और रिड्यूज कवर्ड, किसने ये इस बुक का विमोचन किया था? ये किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। ऑप्शन नंबर हमारा प्रहलाद सिंह पटेल है, ये हमारा सही आंसर है, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे है वो मनाया जाता है और ये दिन संयुक्त राष्ट्र UN यानी ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है और इसका जो थीम था वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का जो थीम था वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वो है एंटोनिया गुटेरस। और साथ साथ में अगर ये भी नोट करना चाहो तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच एक स्थापित किया गया संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर एग्निटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा है वो किसके नाम पर दिया गया है? तो ये दिया गया है वनीजा रूपानी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का जो प्रशासक है वो कौन है? वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, नासा का जो मुख्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कवि के एस निसार अहमद का निधन हो गया। इनको पंपा अवार्ड से यानी कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, और इनको 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रख्यात इतिहासकार एवं लेखक विवियन स्मिथ का डेथ हो गया, इनकी किस बुक ने केनन होलैंड पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था ट्रू कॉर्निकुलर ऑफ दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। प्रख्यात इतिहासकार लेखक और कॉलम लिखने वाले विवियन स्मिथ का डेथ हो गया। इनका जो बॉर्न है ये 1938 में आगरा में हुआ था, और ये 1950 के दशक में दिल्ली आए, और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करना इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, और इनको 1998 के अंदर इस बुक के लिए केनन होलैंड पुरस्कार इस बुक ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CAIT द्वारा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस है वो किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत मार्केट के नाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। CAIT है ये एक कारोबारियों की संस्था है जिसे अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कहते हैं हिंदी के अंदर, और इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। COVID-19 के चलते किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करने की घोषणा की है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत पूरे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स का ऐलान किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। तो इंटरनेशनल विमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो है सुजी बेट्स है, ये विमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है। इंटरनेशनल मेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो है केन विलियमसन। ठीक है, और इंटरनेशनल विमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वो है सोफी डिवाइन। और इंटरनेशनल मेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो है रोज टेलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्नूकर चैंपियन जिसने संन्यास की घोषणा की है वो कौन है? तो वो है पीटर एबडन। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। इन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने COVID-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने COVID-19 को देखते हुए साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल को रोक दिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा, और जो यहाँ के PM है वो है स्कॉट जॉन मॉरिसन, और यहाँ की मुद्रा है वो है डॉलर। ठीक है, PM कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन। ठीक है, कैपिटल क्या है? कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीर के भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है, किसको दिया गया है? तो वो कश्मीरी कैंसर को दिया गया है, कश्मीरी कैंसर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च कर रहा है? तो ये कर रहा है रूस। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। अभी थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये आर्कटिक M1 अंतरिक्ष यान द्वारा विकसित किया गया है, और इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ की राजधानी है वो है मास्को, और यहाँ की मुद्रा है जो है रूबल। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है?
तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा और कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी बता दे, वो भी नोट कर लेते हैं, तो वो भी है जयराम ठाकुर और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो वो है अर्नब गोस्वामी को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 3 आदमी हैं, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ठीक है, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के किस टेनिस खिलाड़ी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो कौन से खिलाड़ी है, तो वो है यूसुफ होसम। यूसुफ होसम को है वो आजीवन इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस के इंटीग्रिटी यूनिटी ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंध कर दिया गया है। इन्हें मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद किस भारतीय डिस्क थ्रो के 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। किस थ्रोअर को 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है, तो ये किया गया है संदीप कुमारी को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हो कि वाडा का जो मुख्यालय है ये कनाडा के अंदर है और जो इसके अध्यक्ष है वो है विटोल्डा बाका। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, वाडा के जो अध्यक्ष है वो है विटोल्डा बाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 5 मई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है और इसका थीम था सेलिब्रेट डेमोस्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट। ठीक है, तो ये भी ऑल टाइम्स इज नाउ, ये भी आप नोट कर लेना, ये इसका थीम था जो मैंने पहले ही आपको दे दिया है यहाँ पे लिख के, तो ये आप नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो वो है टेड्रोस आदनोम, और WHO का जो मुख्यालय है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 मई को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है और इसका जो थीम था वो था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मतलब किस तारीख को और किस बार को मनाया गया या किस बार को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मंगलवार को। ऑप्शन नंबर मंगलवार 5 मई, ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। मंगलवार 5 मई 2020 को है वो विश्व अस्थमा दिवस है ये मनाया गया। ठीक है, और इसका जो थीम था मतलब जो थीम था विषय था वो था इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार यानी 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका विषय था इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, और विज्ञान और इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने होम टू होम फेडरेशन कॉन्स्ट्रेट आई फॉर इंडिया शुरू किया है, तो ये किसने शुरू किया है, तो ये किया है फेसबुक ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो फेसबुक फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये होम टू होम फेडरेशन कॉन्स्ट्रेट आई फॉर इंडिया शुरू किया है किसने, फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक के CEO कौन है, वह मार्क जुकरबर्ग, और इसका जो मुख्यालय है वह है कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये पश्चिम बंगाल ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश धनखड़। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्स बुपा के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है करसन रामचंद्रन को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। मैक्स बुपा है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इनके जो एमडी और जो सीईओ है वो करसन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यह आशीष मेहरोत्रो की जगह लेगा, किसकी जगह लेगा? आशीष मेहरोत्रो की जगह लेगा, ठीक है। मैक्स बुपा है ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी स्थापना 2008 के अंदर हुई थी और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक माइकल को किया गया है, अशोक माइकल पिंटो। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये है Washington DC USA में। विश्व बैंक के अध्यक्ष है वो है डेविड रॉबर्ट मालपास, ठीक है। और विश्व बैंक का जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सौरभ लोढ़ा को। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। तो ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स वॉलबर्ग पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है, ये किस देश के राजा द्वारा दिया जाएगा? तो ये स्वीडन के राजा के द्वारा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। इसका सही आंसर है स्वीडन। और ये इस साल 2020 में जलवायु परिवर्तन व वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG पर आधारित है, ठीक है। और ये जोसेफ जे लेड्सबर्ग, रिचर्ड्स एच वार्निंग और निकोल्स सी कॉप्स को ये वन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 का मार्क्स वॉलबर्ग पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लेना। और ये जो पुरस्कार है ये स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ, जो कि 14वें नंबर के वो किंग है, उसके द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित करेगा? तो ये 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, 75वीं जो वर्षगांठ है उसके ऊपर ये किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल है, और उत्तर कोरिया की राजधानी है वो है प्योंगयांग, ठीक है। उत्तर कोरिया की मुद्रा है वो है उत्तर कोरियाई वोन, ठीक है, वोन है वो उत्तर कोरिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा है वो किस नामक एक नया अभियान शुरू किया है? ये ऑपरेशन COVID-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। तो ये है समुद्र सेतु, समुद्र सेतु नाम से है ये एक अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? वो है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, ये 2021 में किस तारीख को होगा? तो ये होगा 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 को ये होगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मलेशिया के अंदर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना है ये 5 जुलाई 1934 को हुई थी, और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो अध्यक्ष है वो है पॉल एरिक होयर लार्सन। कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने COVID-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है, चंडीगढ़ ने ये CHD कोविड ऐप है
ये लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है? तो ये किया है सुरक्षित दादा दादी सुरक्षित नाना नानी। ऑप्शन नंबर हमारा फिफ्थ है, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही आंसर है। सुरक्षित दादा दादी सुरक्षित नाना नानी है, इस नाम से ये अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फाइव है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बना है? तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कदीमी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। इन्होंने, जैसे अपन को कुछ याद होगा थोड़ा, कि अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, उससे पहले पीएम कौन थे? वो थे अदिल अब्दुल मेहंदी। ठीक है, जो कि पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी है, और उन्होंने 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा एजेंसी के रूप में भी कार्य किया। किसने? मुस्तफा अल कदीमी ने। इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की मुद्रा है दिनार। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में चीजें नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचपी सरकार प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए किस नामक एक कार्यक्रम शुरू कर रही है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार है एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये सारी चीज़ें नोट करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो वो बनाए गए हैं तरुण बजाज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। आर्थिक मामलों के सचिव है वो इनको बनाया गया है। ठीक है, और आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। आरबीआई के जो गवर्नर है ये शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर का है। ठीक है, 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो वो डीपीएस नेगी ने संभाला है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। नेगी है वो सलाहकार वित्त के रूप में भी पहले कार्यरत रह चुके हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो स्टेट मंत्री है वो है संतोष गंगावर। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अधीर रंजन चौधरी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। लोकसभा में कांग्रेस का नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। तो इसके लेखक कौन है? तो वो है वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। फोर्थ जो ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ एक कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत ये दिया गया था, जो कि कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर है। और इस पुस्तक के लेखक है वो कौन है? विजयंत के पिता कर्नल वीएन थापर, ठीक है, जो कि अपने ऑप्शन के अंदर दे रखा है, और नेहा द्विवेदी है जो कि ये इसकी बेटी है। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये नोट कर लेना, साथ साथ में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 मई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा
फर्स्ट है, ये सही आंसर है। 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020। इस वर्ष 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस है वो 1996 में मनाया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। और इसके साथ साथ में IAAF का मुख्यालय है ये मोनाको में स्थित है, और IAAF के अध्यक्ष है वो है सेबस्टियन कोय। सेबस्टियन कोय है वो IAAF के अध्यक्ष है, और IAAF की स्थापना है ये 1912 में स्वीडन में हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में नोट करते चलना सारी चीज़ें। विसाख डे या विसाख दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 मई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर विसाख डे 2020 अर्थात विसाख दिवस मनाया गया। विसाख है ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो हमारे गौतम बुद्ध भगवान हैं, इनको आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 7 मई है, ये सही आंसर है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई, तो ये कौन सी जयंती मनाई है, तो ये 159वीं जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 159वीं ये है, ये मनाई गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो और इसके अंदर 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर भी मिल सकता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक कौन है, वो है चरण गंडनायक। कौन है, चरण गंडनायक है, वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक है। तो ये भी आप चीज नोट कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।